मोदी पर शिवसेना नेता संजय राउत का हमला, जासूसी पर उठाए तीखे सवाल, भाजपा में मचा तहलका। जैसा कि आप जानते हैं, पेगासस वायरस की खबर सामने आने के बाद लोग नेता से लेकर पत्रकार, अभिनेता, विपक्ष सब प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं और जासूसी कराने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार की जासूसी पर तीखे सवाल करते हुए मामले पर हंगामा मचा दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जासूसी अगर हमारे देश में की जा रही है तो इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। पेगासस जासूसी मामले पर अब तक जो खर्चा आया है वो लगभग 350 करोड़ है। 300 लोगों की जासूसी करवाने के लिए खर्च किए गए ये 350 करोड़ किसके अकाउंट से गए हैं? इसका फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है जिसने पेगासस को भुगतान किया है? अगर ये सरकारी खाते से नहीं गया है तो सरकार ने किसी को तो ये जिम्मेदारी दी होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि पेगासस जासूसी कांड सस्ते में नहीं हुआ है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया है कि 6 से 7 लोगों की जासूसी करवाने का लाइसेंस ही 60 करोड़ में मिलता है। मोदी सरकार ने 300 लोगों की जासूसी करवाई है तो इस हिसाब से ये खर्चा अरबों में आया होगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पेगासस को पैसा किसने दिया और ये पैसा कहाँ से आया। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में शिवसेना नेता ने कहा है कि अगर पेगासस के जरिए राज्यों की सरकारें गिराने की साजिश रची गई तो लोकशाही पर ताला लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी शिवसेना नेता संजय राउत ने पेगासस जासूसी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस मुद्दे पर सफाई देने की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।